यहाँ मार्बल पत्थर एवं काला ग्रेनाइट पत्थर पर लिखाई एवं खुदाई सभी भाषाओं में किया जाता है तथा फ्लैक्सबोर्ड रेडियम स्टिकर नेम प्लेट भी बनाया जाता है जिसका पता है मखदूम सराय मोड़ डॉक्टर इसराइल के सामने शिवम आर सीवान। 14 फरवरी का दिन भले ही कई लोगों के लिए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का दिन हो लेकिन यह दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की सबसे दुखद घटना की भी याद दिलाती है। साल 2019 में 14 फरवरी को आतंकवादियों ने इस दिन को देश के सुरक्षा कर्मियों पर कारियाना हमले के लिए चुना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैसे मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से CRPF जवानों की बस को टक्कर मार दी जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। देश के वीर जवानों को याद करते हुए सिवान जिले के राजेंद्र स्टेडियम में तैयारी कर रहे आर्मी के कई जवानों ने कई युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद किया। तो आइए हम दिखाते हैं सीधे तौर पर राजेंद्र स्टेडियम से किस तरीके से वहां पे युवाओं ने शहीद जवानों को याद किया। BNP लाइव से आशीष कुमार की रिपोर्ट, समीर हाशमी। चौदह फरवरी 2019 में जो हमारे शहीद पुलवामा अटैक में मारे गए थे उन्हीं के को श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोग इसमें हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। के विपक्ष में हमारे भारत के सैनिकों ने कितने सैनिक को मार गिराया था उसके विपक्ष में काउंट तो नहीं किया गया, ऐसे कहा गया है कि 300 से अधिक, 350 से अधिक मारे गए हैं। आज कैंडल मार्च निकाला गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम कैंडल मार्च आज निकाले अपने मतलब वीर शहीदों के मतलब शोक में श्रद्धांजलि दिए हैं और अर्पित करने के लिए किए हैं और ऐसे ही हम आगे भी चल के करते रहेंगे और अपने देश के जवानों का दुआ करेंगे कि उनके फैमिली और सारे परिवार सही सुरक्षित रहे। अपना नाम बता दीजिए। अभिषेक कुमार। कहना चाहेंगे कि मैंने ऐसे ही हम लोग आगे भी जब तक मैंने रहेंगे तब तक हम याद करेंगे। जितने भी जवान शहीद हुए, 40 हमारे जवान शहीद हुए पुलवामा अटैक में, हम तक रहेंगे तो याद करते रहेंगे। गुलशन कुमार। ये वीर शहीदों का परंपरागत चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत से आज़ादी हमारे मिली है तो शहीद होकर ही मिली है। इसके लिए मतलब ये जो 14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था उसमें हमारे देश के हमें भाई बहन में से हम ही लोग के तैयारी करने वाले में से भाई और बहन वहाँ अथी शहीद हुए हैं उन्हीं लोग के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च अर्पित किया गया है जिससे उनके आत्मा का शांति मिल सके। बता दीजिए। रवि कुमार सर।